जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 24 खरीद परियोजनाओं को मिली डीएसी से मंजूरी। लेटेस्ट AK-103 असॉल्ट राइफल के साथ एलएसी पर तैनात है इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को साबित कर चुके थीमिस यूजीवीज अब इंडियन आर्मी का भी बने हिस्सा। इंडियन नेवी की 5th जनरेशन फाइटर्स को खरीदने वाली योजना को स्किप करने की योजना। और भारत और चीन के बीच आयोजित हुई 17th कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग। आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद ही खास रहा है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 24 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनकी टोटल कॉस्ट है 84,328 करोड़ रुपीस। और इन 24 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं स्वदेशी सोर्सेज के माध्यम से पूरी की जाएंगी और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 82,127 करोड़ रुपीस। बाकी आज इन 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तो उनमें से 6 परियोजनाएं हैं आर्मी की, 6 हैं एयरफोर्स की, 10 है इंडियन नेवी की और 2 है इंडियन कोस्ट गार्ड की। अगर बात करें आर्मी वाली परियोजनाओं की तो उसमें शामिल है प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक्स, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, माउंटेड गन सिस्टम, बैलिस्टिक हेलमेट्स, ATGM, वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम। तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की खरीद परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जो कि आर्मी के ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी। जबकि नेवी के लिए एंटी शिप मिसाइल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स, हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस व्हीकल्स, तो इस तरह की खरीद परियोजनाएं शामिल हैं जो कि हमारी नेवी की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ाएगी। अगर बात करें एयरफोर्स की तो एयरफोर्स के लिए नई रेंज की मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स, कन्वेंशनल बॉम्ब्स के लिए रेंज ऑगमेंटेशन किट, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स, तो इस तरह की खरीद शामिल है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को लिया जाना है, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में सर्विलेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने में काफी मददगार साबित होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए इन 24 परियोजनाओं में से 21 परियोजनाएं स्वदेशी सोर्सेज से ही पूरी की जाएंगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने नेवी की प्रोजेक्ट 75 वाले सबमरीन्स के लिए तैयार किए जाने वाले स्वदेशी AIP सिस्टम प्रोग्राम का ऑन साइट रिव्यू किया है, जिसमें नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पर DRDO काम कर रही है। बाकी जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 5वीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डिलीवरी लेने के साथ ही नेवी ने DRDO को स्वदेशी AIP सिस्टम वाले प्रोग्राम को और भी तेजी से कंप्लीट करने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 20 दिसंबर 2022 को भारत और चाइना के बीच 17th कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग हुई थी और ये जो मीटिंग है चाइना की तरफ चुसूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई थी। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान LAC से जुड़े कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है और दोनों ही पक्ष LAC के बाकी के मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान ढूंढने के लिए भी सहमत हुए हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वे आगे भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से डायलॉग को मेंटेन रखेंगे। बाकी इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि जो LAC के रेलिवेंट इश्यूज हैं तो उन पर एक ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर में डिस्कशन हुआ है। बाकी इसके अलावा ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ को LAC पर स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करने के उद्देश्य के साथ हाई अल्टीट्यूड पोजीशंस पर डिप्लॉय किया गया है और गरुड़ कमांडोज की जो ये तैनाती है ये मई 2020 से है। और इसके साथ में ये भी बताया गया कि गरुड़ कमांडोज को कुछ नए हथियारों के साथ भी इक्विप किया गया है, जिसमें US ओरिजिन की 6 और असॉल्ट राइफल्स के अलावा रशिया से ली गई लेटेस्ट AK-103 असॉल्ट राइफल भी है, जिसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 भारत में बनना है। और ANI के साथ बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स का कहना था कि जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस है तो उसे पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी जगहों पर चीन के साथ लगने वाली सीमा के साथ फ्रंट लाइन एरियाज पर डिप्लॉय किया गया है। और किसी भी तरह के रिक्वायरमेंट के लिए गरुड़ स्पेशल फोर्सेस कोई भी स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और बाकी जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज को लेटेस्ट AK-103 असॉल्ट राइफल से भी इक्विप्ड किया गया है, तो आपको रिमाइंड करा दें कि ये राइफल्स उसी एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर ली गई हैं जिसे इंडियन एयरफोर्स ने पिछले साल यानी कि 2021 में साइन किया था। और इस एग्रीमेंट में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स को लिया जाना था। बाकी इसके अलावा जैसे कि तो आप जानते होंगे कि चाइना में जो चाइनीज वायरस की स्थिति है अब वो और भी बद से बदतर होती जा रही है और अब इस चाइनीज वायरस का एक नया वेरिएंट भी सामने आया है, तो इसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आज कहा गया है कि चाइना में जो एक कोविड सिचुएशन बनी हुई है उस पर भारत की नज़र है, लेकिन फिलहाल अभी इस वायरस वाले सिचुएशन को लेकर भारत की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी होनी बाकी है। इंडियन आर्मी की सर्विस में यूरोप की लीडिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम डेवलपर मिल्ड्रम रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए थीमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को शामिल किया गया है। और इस बात की जानकारी ऑनगोइंग पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री अजय भट्ट की तरफ से दी गई है, और जिसमें उनका ये कहना था कि पिछले 3 साल में भारत ने थीमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस,
क्लोज्ड एंड वेपन सिस्टम्स, 7.62x51mm की मशीन गन और ग्राउंड सपोर्ट मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट को इम्पोर्ट किया है। बाकी जानकारी अगला आपको बता दें कि जो ये थिमीस अनमैन ग्राउंड व्हीकल है तो इसे मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं जैसे कि रिकॉनोसेंस, सर्विलियंस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बैटलफील्ड में इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ाने में मददगार भी साबित होगा। और जबकि इसी थिमीस यूजीवी को रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूक्रेन में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और इस यूजीवी की खास बात यह भी है कि ये कन्वेंशनल मशीन गन एम्यूनेशन और मिसाइल राउंड्स को भी फायर करने में कैपेबल है और इसलिए आप इसे ग्राउंड बेस्ड आर्म्ड ड्रोन भी कह सकते हैं। बाकी इस थिमीस की फुल फॉर्म है ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम। बाकी आर्मी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि लेजर रेंज फाइंडर के साथ करीब 1000 मल्टीपर्पज थर्मल मॉनिकुलर साइट्स को खरीदने के लिए RFP जारी कर दी गई है और RFP के मुताबिक ये जो खरीद है ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत की जानी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि इंडियन नेवी के लिए करीब 120 स्वदेशी फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को खरीदने के लिए RFI जारी की गई है और RFI के मुताबिक ये फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट 2026 से 2030 तक 4 सालों के टाइम पीरियड के अंदर फेज्ड मैनर में बनाई जाएंगी। और जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है ये सारी क्राफ्ट रजिस्टर्ड इंडियन शिपयार्ड से ही ली जाएंगी। बाकी इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टैंकर्स, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, तो इस तरह की जो नेवी की हाई वैल्यू यूनिट्स होती हैं तो उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए, कोस्टल एरिया पर वाटर फ्रंट पेट्रोलिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक एसेट्स की सुरक्षा के लिए, किसी हाई स्पीड क्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए वाटर एम्बुलेंस के तौर पर और ऐसी कई अलग अलग मुख्य भूमिकाओं में इनका इस्तेमाल होगा। बाकी इन क्राफ्ट्स को अलग अलग तरह के हथियार और सेंसर से भी इक्विप किया जाएगा। इन सबके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि इंडियन नेवी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने वाली योजना को स्किप कर सकती है और इसके बजाय नेवी 4.5 जनरेशन के TDBF फाइटर को ही विकसित करने पर ज्यादा फोकस करेगी। भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाली पहली एरियल एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्डियन, तो इसे 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान के हेकुरी और इरुमा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड के नंबर 220 स्क्वाड्रन से 4 Sukhoi Su-30 MKI, नंबर 81 स्क्वाड्रन से 2 C-17 और करीब 150 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं जापान की 7th एयर विंग से 4 F-2 और उनकी एयर टैक्टिक्स डेवलपमेंट विंग से 4 F-15 इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा आज न्यू दिल्ली में आयोजित 19th सुब्रत मुखर्जी सेमिनार को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी का कहना था कि एयरफोर्स के जो क्रिटिकल डेफिशिएंसीज हैं जैसे कि फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टेज, तो इन सभी को प्रायोरिटी बेसिस पर एड्रेस किए जाने की जरूरत है ताकि फोर्स की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो बनी रहे। और इसी दौरान एयरफोर्स चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत का जो नेबरहुड है यानी कि जो हमारा पड़ोस है वो लगातार अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है और ऐसे में भारत को एक समान विश्वास और मूल्यों को साझा करने वाले राष्ट्रों के साथ साझेदारी करके अपने सामूहिक ताकत को बढ़ाना चाहिए। और एयरफोर्स चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना पर्याप्त और विश्वसनीय हार्ड पावर के बिना कोई सॉफ्ट पावर नहीं हो सकती है और जब हमारी सीमाएं, हमारे हवाई क्षेत्र, हमारे तट सुरक्षित होंगे तभी भारत फलेगा और फूलेगा। बाकी इस दौरान चीन का सीधे तौर पर नाम लिए बिना एयरफोर्स चीफ ने इंडो पैसिफिक में अपने इन्फ्लुएंस का एक्सपेंड करने वाले उस देश के प्रयास का भी उल्लेख किया जिस पर उन्होंने ये कहा कि एक एस्टैब्लिश रीजनल पावर एक एस्टैब्लिश सुपर पावर को चुनौती दे रही है जिसे इस रीजन में US चाइना कॉम्पिटिशन के रेफरेंस के रूप में देखा जाता है। और खैर बाकी एक अपडेट ये भी है कि अभी हाल ही में US के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए माइली और उनके इंडियन काउंटर पार्ट CDS जनरल अनिल चौहान के बीच ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर महत्वपूर्ण डिस्कशन भी हुआ है और इस दौरान दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेज के बीच बायलेटरल कोऑपरेशन और इनर ऑपरेबिलिटी को और भी मजबूत करने के अलग अलग तरीकों को डिस्कस किया गया है। कल रात को BSF ने पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान के एक और ड्रोन को शॉट डाउन किया है और शॉट डाउन किए गए इस ड्रोन को आज सुबह रिकवर भी कर लिया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल बुधवार को वेस्ट बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने सिलीगुड़ी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस बात का संदेह है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान की ISI का जासूस हो सकता है। ऑफिशियल के मुताबिक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बिहार का रहने वाला है लेकिन एक कुछ समय से सिलीगुड़ी में रह रहा था और ISI को इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए आर्मी, VVIPs, VIPs तो इन सभी की मूवमेंट्स को मॉनिटर करा था। बाकी ऑफिशियल कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये अकेला काम कर रहा था या फिर ये किसी ग्रुप का हिस्सा है और साथ में ये भी बताया गया कि इसके द्वारा ISI को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी और कई अलग अलग सोशल मीडिया सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के कांस्टेबल परेश राभा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए BSF के हेड कांस्टेबल राजपत राम वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन CRPF के कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह भदौरिया, कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह
और हेड कांस्टेबल सुखदेव सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इस महीने भारत और नेपाल के आर्मी के बीच आयोजित की गई ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।